नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल आपका फिर से स्वागत है। आज मैं तलवंडी साबो बठिंडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये ट्रैक्टर मंडी लगती है हर बुधवार को, उस मंडी के अंदर आया हुआ हूँ। और इस मंडी के वीडियो के अंदर मैं हर ट्रैक्टर का मॉडल नंबर और रेट बताऊँगा। और इस मंडी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, आप यहाँ पर हर कंपनी का ट्रैक्टर ले सकते हो, पुराने से पुराना और नए से नया मॉडल, सभी मॉडल यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। ट्रैक्टर कंपनियों के, सभी कंपनियों के और सभी मॉडल अवेलेबल होते हैं। और जो रेट है वो फिक्स नहीं है, आप प्राइस आराम से कम करवा सकते हो रेट को। और जैसे कि हम बात करें, इस अपना ये स्वराज 855 FE ट्रैक्टर है, 2012 मॉडल, और इसका जो प्राइस है 4,50,000 रुपये, इसका रेट 25,000 रुपये रेट लिखा है इसका, 2012 मॉडल 4,25,000 रुपये। ये अपना स्वराज 855 FE ट्रैक्टर 3 स्टार 2014 मॉडल है, 4,60,000 रुपये इसका रेट रखा है यहाँ पर। ये अपना महिंद्रा 265 DI ट्रैक्टर है, और ये 2001 मॉडल है, 1,85,000 रुपये इसका रेट रखा गया है यहाँ पे। और ये इधर अपना हाइसर 241NC 1995 मॉडल, 98,000 रुपये इसका रेट है। ये अपना स्वराज 735 FE ट्रैक्टर, और 2000 मॉडल, 2,10,000 रुपये इसका रेट रखा गया है यहाँ पे। ये अपना आइसर 241 एक्स्ट्रा ट्रैक्टर है, 2016 मॉडल, और इसका जो 2,50,000 रुपये इसका प्राइस रखा गया है यहाँ पे। ये अपना स्वराज 735 FE ट्रैक्टर है, 1998 मॉडल, 1,72,000 रुपये इसका रेट है। ये अपना स्वराज 735 FE ट्रैक्टर 1993 मॉडल, 1,28,000 रुपये इसका रेट रखा है यहाँ पर तलवंडी साबो बठिंडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रैक्टर का। अगर हम बात करें, ये अपना सोनालिका ट्रैक्टर है, ये सोनालिका इंटरनेशनल DI 730 ट्रैक्टर है, ये DI 730 ट्रैक्टर है, 2006 मॉडल, और 1,72,000 रुपये इसका रेट रखा गया ट्रैक्टर का, रेड कलर के साथ में। और इधर अपना ये सोनालिका 750 DI ट्रैक्टर है, सोनालिका 750 DI ट्रैक्टर 2005 मॉडल, और 2,85,000 रुपये इसका रेट रखा है यहाँ पर मंडी के अंदर ट्रैक्टर का। अगर हम बात करें, फार्म ट्रैक चैंपियन ट्रैक्टर है ये, 2009 मॉडल, 3,25,000 रुपये इसका रेट है। इधर अपना स्वराज 855 ट्रैक्टर है, 1998 मॉडल, 2,30,000 रुपये इसका रेट रखा गया है। ये अपना स्वराज 735 FE ट्रैक्टर, 1998 मॉडल, 1,10,000 रुपये इसका रेट है। अगर हम बात करें, सोनालिका DI 60 ट्रैक्टर है, और ये 2010 मॉडल है, और इसका 3,00,000 रुपये रेट रखा है यहाँ पर तलवंडी साबो बठिंडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये अपना सोनालिका DI 750 DI ट्रैक्टर है, 2006 मॉडल, 2,60,000 रुपये इसका रेट है। ये अपना आइसर गुड अर्थ 1989 मॉडल, 75,000 रुपये इस ट्रैक्टर का प्राइस रखा गया है यहाँ पर। और ये अपना महिंद्रा B 275 ट्रैक्टर है, सरपंच महिंद्रा B 275 DI सरपंच ट्रैक्टर है, 2004 मॉडल, 1,40,000 रुपये इसका रेट रखा गया है यहाँ पर। ये अपना आइसर 241 ट्रैक्टर है एक्स्ट्रा, और जो ये सेल के लिए नहीं है भाई, ये सेल के लिए नहीं है, लेकिन जो इसके पीछे ट्रॉली है वो सेल के लिए है, ये ट्रॉली सेल के लिए है, 1,35,000 रुपये इसका रेट है। ये हाइड्रोलिक ट्रॉली है, ये अपना अंदर से आप देख सकते हो, और ये अपना सिंगल जैक के साथ में ट्रॉली आती है अपनी। और इधर अपना बात करें, ये महिंद्रा 2365 ट्रैक्टर है, ये डायरेक्ट इंजेक्शन महिंद्रा 365 ट्रैक्टर, 1997 मॉडल, 1,35,000 रुपये इसका रेट है। ये अपना स्वराज 855 FE ट्रैक्टर है, 2008 मॉडल, 3,75,000 रुपये इसका रेट रखा है यहाँ पे। और इधर अपना स्वराज 855 FE ट्रैक्टर, 2012 मॉडल, 4,15,000 रुपये का रेट है। ये अपना HMT 3511 ट्रैक्टर है, 1993 मॉडल, और इसका प्राइस है 1,55,000 रुपये का प्राइस रखा है। ये अपना फार्म ट्रैक 60 2009 मॉडल, 2,70,000 रुपये रेट रखा गया है। ये पीछे अपना हाइड्रोलिक ट्रॉली है, ये भी सेल के लिए है यहाँ पे तलवंडी साबो बठिंडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो बुधवार को ट्रैक्टर मंडी लगती है। इसमें बहुत सारी ट्रॉली आती हैं, अलग अलग खड़ी होती हैं, दूर दूर जैसे वो खड़ी है। अपना जो ये ट्रॉली है, 1,25,000 रुपये इसका प्राइस रखा गया है यहाँ पर। और ये भी ट्रॉली है, अपना हाइड्रोलिक ट्रॉली है, इसका जो प्राइस है, इसका भी 1,25,000 रुपये प्राइस है। ये अपना डबल टायर के साथ में, और सिंगल जैक के साथ में है ये डबल टायर, ये भी अपना डबल टायर के साथ में, सिंगल जैक के साथ में, हाइड्रोलिक जैक के साथ में काफ़ी हैवी ड्यूटी के लिए ट्रॉलियाँ तैयार की गई ये, अपन टूल बॉक्स के साथ में। और अपना एक और ये ट्रॉली है इधर,
ये अपना आई लव माई इंडिया के नाम से लिखा हुआ है इसके ऊपर, और जो इसका रेट है वो 95,000 रुपये इसका रेट रखा गया ट्रॉली का। ये अपना अंदर से भी आप देख सकते हो इसको, और ये इधर से नीचे से आप देख सकते हो सिंगल टायर जो के साथ में ये ट्रॉलियाँ भी हैं यहाँ पे सेल के लिए। और जैसे भी आपको वीडियो लगे अच्छी या बुरी प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो कमियाँ हैं आप कमेंट करके बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।